अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलमान मलिक और आप लोग देख रहे हैं जीएस वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामयाबी यानी कि सक्सेस पाने का वजीफ़ा। जहां तक हमारा मानना है, आज के ज़माने में इस वजीफे की तमाम लोगों को ज़रूरत है। तो आप लोगों से गुजारिश है, दिल से इस वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये कोई दुआ या ये कोई आयत नहीं है, बल्कि ये एक दुरूद पाक है। अगर आप उस दुरूद पाक का जिक्र करते रहेंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला इस दुरूद पाक की बरकत से आप हर काम में कामयाबी हासिल करेंगे। तो आपको करना किस तरीके से और आपको क्या क्या करना है, डिटेल में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको हिंदी, इंग्लिश और अरबी तीनों ज़बानों में दिखाया जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम वबारिक अला सैयदना मुहम्मद व आला अलैहि अदादा इनामिल्लाहि व इफ्तालिही। ध्यान से आप देख लीजिए, जिन लोगों के समझ में नहीं आया उन लोगों को एक बार फिर से पढ़ के हम बता देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम वबारिक अला सैयदना मुहम्मद व आला अलैहि अदादा इनामिल्लाहि व इफ्तालिही। जैसा कि आपने देखा आपकी स्क्रीन पे, हमने आपको पढ़ के भी बताया और आपको हिंदी, इंग्लिश और अरबी तीनों ज़बानों में आपको दिखा दिया गया। ये दुरूद पाक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको करना क्या है, इस दुरूद पाक को पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है कि आपको 11 दिन पढ़ना है या 22 दिन पढ़ना है या 21 दिन पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस दुरूद पाक का कसरत से जिक्र करते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते इस दुरूद पाक को पढ़ते रहिए। जब भी आपको फुर्सत मिले तब आप इस दुरूद पाक को पढ़ लीजिए। और बेहतर ये है कि आप हर नमाज के बाद कम से कम 100 मरतबा इस दुरूद पाक का जिक्र ज़रूर किया करें। दुरूद पाक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको दिन भर में फुर्सत ना मिले तो आप शाम को सोते वक्त इस दुरूद पाक को अनलिमिटेड पढ़ा करें, बिना गिनती के पढ़ते पढ़ते इस दुरूद पाक को सो जाया करें। और जैसा कि जिन लोगों को हमने बताया था, हम बताते हैं कि अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़ा करें, कि तीन बार आप शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, तीन बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि दुरूद पाक होता क्या है, तो उन लोगों से हम कहना चाहते हैं यही है दुरूद पाक। अगर आप ये चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो, नहीं तो जो आपके दुरूद पाक याद है आप वो भी पढ़ सकते हो। मतलब जो वजीफे हम बताते हैं उसमें पढ़ने के लिए जो हम आपको बताते हैं उसमें आप ये दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। तो इस दुरूद पाक को ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत छोटी सी दुरूद पाक है। एक बार हम आपको फिर से पढ़ के बता देते हैं। देखिए, जितना आपके कानों में ये दुरूद पाक गूंजेगी उतना ही आपको नेकियां मिलती रहेंगी। वीडियोज़ ऐसी वीडियोज़ देखा करो जिससे आपको सवाब मिला करे। कम से कम ऐसी वीडियोज़ तो होनी चाहिए जो सुनते सुनते बंदे को नेकियां मिले। तो एक बार आप फिर से हमारी ज़बान से सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम वबारिक अला सैयदना मुहम्मद व आला अलैहि अदादा इनामिल्लाहि व इब्दालिही। बहुत ही ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत दुरूद पाक है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जितना हो सके पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी बरकत से हर काम में कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह आपको और हमें इन तमाम बातों पर कहने, सुनने, पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपकी खिदमत में इसी तरीके की वीडियोज़ लेकर हाजिर होते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं सलमान मलिक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।